write the mechanism of the following reaction. N butyl bromide, ये 1 degree हेलो एल्केन है, इसका सिंपल फॉर्मूला CH3CH2CH2CH2Br और इसका डी सोरबीज फॉर्मूला अगर बनाए अपने, तो ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन को हाईलाइट करें, इसमें टू बॉन्ड सिंगल प्लेन में रहेंगे, 1H और 1Br, और टू बॉन्ड में वन बॉन्ड डैश के रूप में और दूसरा वेज, तो मैं वेज के रूप में C3H7 और डैश हाइड्रोजन। तो इस प्रकार अपने पास ये N ब्यूटिल ब्रोमाइड है और ये 1 degree एल्काइलाइड है, इसमें C पार्शियल पॉजिटिव और Br पार्शियल नेगेटिव। KCN एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो CN माइनस अल्फा कार्बन पर इस तरह टेक कर रहा है अपोजिट टू CBr बॉन्ड, इसका रिजल्ट के रूप में हमें T स्टेट मिलेगी CH, यहां CBr बॉन्ड ब्रेक होगा यानी बॉन्ड ब्रेकिंग वाली कंडीशन है और CN बॉन्ड फॉर्मिंग वाली कंडीशन में है, हाइड्रोजन डैश के रूप में C3H7, इसको वेज के रूप में हमने शो किया है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। फाइनली इस स्लो स्टेप में जो टी स्टेट फॉर्म हुई है वो अनस्टेबल है और Br 2 इलेक्ट्रॉन के साथ लिविंग ग्रुप बन जाएगा और रिमेनिंग पार्ट अपना मेन प्रोडक्ट होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन CN हाइड्रोजन C3H7 और प्लस Br नेगेटिव। इस प्रकार रिजल्ट के रूप में हमें नाइट्राइल पेंटेन नाइट्राइल मिलेगा। SN2 मैकेनिज्म है क्योंकि 1 degree अपने पास हेलो एल्केन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एन BuBr इंटू न्यूक्लियोफाइल, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1+1 इट मीन्स 2, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर यानी SN2 मैकेनिज्म हो गई है।